नमस्कार दोस्तों, तो रेडमी अब बजट रेंज में 5G स्मार्टफोन को लाने जा रही है। जैसे कि बात करें तो अंडर 10,000 में आपको 5G फ़ोन देखने को मिलेगा रेडमी की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे और जानेंगे पूरे डिटेल्स के साथ। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए, तभी आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, रेडमी एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है मई के मंथ में, और ये जो मई के मंथ में लॉन्च करने वाला है ये 5G स्मार्टफोन होने वाला है और इसका नाम होगा रेडमी नोट 10S। ठीक है, और 10S के नाम से यहाँ पर 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि रियलमी ने अभी लॉन्च किया था रियलमी 8 5G, सेम एस्पेक्ट्स के साथ आपको रेडमी नोट 10S भी देखने को मिलेगा, लेकिन प्राइसिंग का यहाँ पर डिफरेंसेस हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि रेडमी का नोट 10S सीरीज जो होगा उसका प्राइसिंग काफ़ी कम रखा जाएगा। मतलब नोट 10 से काफ़ी सस्ता देखने को मिलेगा नोट 10S, जिसमें आपको 5G का कैपेबिलिटी देखने को मिलेगा। चलिए हम जानते हैं इसके और स्पेसिफिकेशन और यह कब तक आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा इंडिया में और किस प्राइसिंग के साथ ये देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें रेडमी नोट 10S 5G स्मार्टफोन में, इसमें आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इस डिस्प्ले में मे बी एक्सपेक्टेड है कि आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा, और बाकी जो होता है वो आपको एक नॉर्मल सा डिस्प्ले होगा। उसके बाद साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होगा। उसके बाद पीछे की तरफ से अगर हम बात करें 48MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा रेडमी नोट 10S में, और इसका जो मेन कैमरा होगा 48MP का होगा, उसका 5MP फिर 8MP का, तो कुछ इस तरीके से उसका कैमरा होगा। और फ्रंट में वही 13MP का होने वाला है। सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसमें आपको प्रोसेसर कौन सा देखने को मिलेगा। क्या आपको इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U देखने को मिलेगा या फिर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जो प्राइसिंग है वह काफ़ी कम होने वाला है, तो इसको लेकर यहाँ पर लग रहा है कि रेडमी नोट 10S में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 देखने को मिलेगा। तो ये भी प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, और सेम प्रोसेसर के साथ आपको रियलमी 5G भी लॉन्च किया गया है, लेकिन उसका प्राइसिंग थोड़ा हाई है। लेकिन ये जो रेडमी नोट 10S होगा इसका प्राइसिंग काफ़ी लो होगा। मतलब आप कह सकते हो कि बजट रेंज में आपको 5G फ़ोन देखने को मिलेगा रेडमी नोट 10S के नाम से, और ये फ़ोन आपको मई में ही देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह देख रहे होंगे जो रेडमी नोट 10S का है, और आप यहाँ पे कुछ ऐसे भी देख रहे होंगे जिससे पता ये चल रहा है कि रेडमी नोट 10S यहाँ पे लॉन्च भी होने वाला है इंडिया में, और स्वामी इंडिया ने इसका टीज वगैरह करना शुरू कर दिया है इंडिया में ही। आप यहाँ पे बॉक्स वगैरह भी देख सकते हो जिसमें बहुत चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें पता ये चल रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको 12.5 का देखने को मिलेगा MIUI। तो बाकी जो भी स्पेसिफिकेशन है कुछ इसी प्रकार से होने वाला है, लेकिन बॉक्स वगैरह कुछ इस तरीके से टीज होना शुरू हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो फ़ोन है वो आपको मई में तो पक्का देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर हम बात करें इसके प्राइसिंग का, तो मैंने यहाँ पर जो भी स्पेसिफिकेशन बताया है वो सारा स्पेसिफिकेशन आपको मैच करता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर प्राइसिंग का थोड़ा सा फंडा हो सकता है। हो सकता है थोड़ा सा ये महंगा फ़ोन हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक ब्रांड आपको अंडर 10,000 में देखने को मिलना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको एक ब्रांड पक्का 11,000 में देखने को मिलेगा बेस ब्रांड, और बाकी जो भी ब्रांड होगा वह इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो मुझे जहाँ तक एक्सपेक्टेड लग रहा है कि ये जो फ़ोन होगा रेडमी नोट 10S बिल्कुल रियलमी 8 5G के बराबर का होगा, लेकिन इसमें प्राइसिंग का जो डिफरेंस है वह बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसका जो प्राइस होगा वह काफ़ी एग्रेसिव होगा और काफ़ी कम कीमत में ये फ़ोन आने वाला है। जैसा कि बता दूँ कि रियलमी 8 5G है वो आपको 15,000 में देखने को मिलता है, तो इससे तो कम ही प्राइस में आपको देखने को मिलेगा, मतलब 12,000 में आपको पक्का देखने को मिलेगा। और कुछ दिन पहले ये फ़ोन चाइना में लॉन्च हुआ था रेडमी नोट 9 5G करके, ये फ़ोन लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो सेम फ़ोन आपको यहाँ पे इंडिया में भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका नाम होगा रेडमी नोट 10S 5G। ठीक है, ये फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला है और प्राइसिंग भी काफ़ी कम होने वाला है। जो लोग वेट कर रहे थे कि हम रेडमी का 5G फ़ोन लेंगे बजट में, तो उन लोगों के लिए काफ़ी यहाँ पर बेहतर न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि रेडमी का जो फ़ोन है वह काफ़ी आपको कम प्राइसिंग में देखने को मिल रहा है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये फ़ोन आपको 11,000 में देखने को मिलेगा, और स्पेसिफिकेशन मैं जो भी यहाँ पर बताया वो सेम स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होने वाला है। बाकी यहाँ पर लॉन्च डेट और प्राइस इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन ये फ़ोन आपको पक्का मई में ही देखने को मिलेगा, और प्राइसिंग जो मैं यहाँ पर गेस किया हूँ सेम प्राइसिंग के साथ आने वाला है। तो बस आज के इस वीडियो में ही बताया था, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे तरीके समझ में आएगा। इसको लेकर अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट चल रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।